पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अभी अगर आप ऐसे ही देखती रहेंगी तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, तो जो करना है अभी करना पड़ेगा। मैं, रुको, हम देखते हैं। क्या आप ऐसे, तुमसे जो बात करनी है हम बाद में करेंगे, अभी हमें हमारे बेटे से बात करनी है। सुना नहीं, हमने कहा हमें हमारे बेटे से बात करनी है। अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुम जाओ यहां से। समझ नहीं आ रहा तुम्हें लक्ष्मी? नीलम भाभी इज सेइंग कि तुम्हारे सामने उन्हें ऋषि से बात नहीं करनी, सो जस्ट गो। मलिष्का, ऑफिस की कोई बात करना है। ऑफिस? अब ऑफिस में क्या हुआ? मॉम, कुछ भी नहीं हुआ ऑफिस में, पता नहीं क्या बोल रही है। कुछ नहीं हुआ, तो मैं पागल हूँ क्या? आंटी, पूछे इससे, जब मैं गिरी थी तो उसने मुझे नहीं बचाया, और जब लक्ष्मी गिरती है तो एकदम चैंपियन बन जाता है, कोई कसर नहीं छोड़ता है उसके लिए। हाँ, और यहाँ तो बात गिरने या उठाने की है ही नहीं। आंटी, बात तो ये कि इसे लक्ष्मी को। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। जब लक्ष्मी गिरी थी ना तो मैं बिल्कुल उसके पास खड़ा था, और जब ये मलिष्का गिरी थी तो मैं। ऋषि, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से, इसी बर्ताव की वजह से ये डिवोर्स नहीं हुआ। होगा, ये डिवोर्स होगा जरूर, पर लेट हुआ है तुम्हारी वजह से। आई कैन अंडरस्टैंड, कोर्ट में जो तुमने किया वो इसलिए क्योंकि तब तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारे उस बिहेवियर की वजह से ये लड़की हमारे घर में आ जाएगी, तुम्हें जबरदस्ती का रिलेशनशिप निभाना पड़ेगा इसके साथ। पर अब तुम अब भी। मॉम, अब भी क्या? आई स्वेयर मॉम, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बोल क्या रहे हो? भाभी, बोलना ही पड़ेगा। तुमने लक्ष्मी को किस किया? आई मीन, इसके हाथों पे किस किया? हाँ, किस किया था मैंने। आई मीन, वो वैसा किस नहीं था, बस मैंने ऐसे हाथ पे किस किया था। जब कोई शेफ अच्छा खाना बनाता है तो हम उसके हाथ पे किस करते हैं ना, बस वैसे ही था, उसका वो मतलब नहीं था। और अगर मैं किसी शेफ के हाथ पे किस करता तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती क्या? नहीं होती, क्योंकि वो शेफ 3 महीने के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ नहीं रह रहा होता, उसके साथ एक जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा रहे होते तुम। ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो कि लक्ष्मी तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। बुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं कोई ऋषि की बॉस थोड़ी ना हूँ, वो जो चाहता है वो कर सकता है, और वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करता है। उसने हमारे बेडरूम में सुमो को टांग रखा है बीचों बीच। सुमो? बॉक्सिंग बैग है मॉम, बॉक्सिंग बैग को सुमो बुला रही है। मैं नहीं बुला रही हूँ, तुम बुलाते हो उसे सुमो, तुमने उसे अपना दोस्त बनाया और हमारे बेडरूम में रखा है उसे। हाँ तो मेरी मर्जी, मेरा रूम है, तुम्हारा नहीं है। मेरा रूम है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, ये अपनी मर्जी से ही करता है सब कुछ, हर जगह। हर जगह मतलब? बाथरूम में क्या किया तुमने, बताओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।